देश के कई इलाकों में जहां लोग भ्रम के चलते वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के एक घोर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में एक आदिवासी गांव रेगानार में 100% लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, जिसके बाद रेगानार ग्राम पंचायत राज्य की ऐसी पहली ग्राम पंचायत बन गई है जो 100% वैक्सीनेटेड है। दंतेवाड़ा के घोर नक्सल प्रभावित और पिछड़े हुए इलाकों में मौजूद रेगानार ग्राम पंचायत में भी लोगों में यह भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग नपुंसक हो जाते हैं, उनकी आंखें चली जाती हैं, जिसके चलते लोग यहां भी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को समझाया, जिसके बाद पूरे गाँव ने एक साथ वैक्सीन लगवा ली और अब इस ग्राम पंचायत के सभी 294 व्यस्त पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो गए हैं। हाँ सर, मेरा नाम रघुनाथ यादव है और मैं अपने ग्राम रेगानार पंचायत में सभी यहाँ जागरूकता दल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, उनके MT और स्वास्थ्य विभाग, इतने मौके सब गांव के जनप्रतिनिधि सभी मिलकर मेहनत करके इस गांव में वैक्सीन लगाने का भरपूर प्रयास किए और अब पूरा कंप्लीट कर दिए और मेरा दूसरा डोज कंप्लीट हो गया और मुझे कुछ कोई परेशान नहीं हुआ जी। मेरा नाम ज्योति यादव है, मैं ग्राम रेगानार की MT हूँ और हम लोग गांव में जाके सभी लोगों को समझाए कि डरने की कोई बात नहीं है, टीका लगाने से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि गांव में बाकी लोग भी टीका लगा चुके हैं और हम लोग भी लगाए हैं, जिससे हम लोग को भी कोई परेशानी नहीं हुआ है, हम लोग भी बहुत खुश हैं। अभी जो तीसरी लहर आने वाली है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, इसीलिए हम लोग को अभी वैक्सीन लगाना ज़रूरी है।